छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थल नागदेव निमेटी में मंदिर परिसर के आसपास फैले हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई प्रशासन द्वारा आज की गई है, जिसमें कि मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण किया जा सके। गौरतलब हो कि विगत दिनों जिला कलेक्टर शीलेंद्र सिंह निरीक्षण करने मंदिर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने पार्किंग व्यवस्था व अन्य सौंदर्यीकरण संबंधित निर्देश दिए थे, जिसको लेकर आज प्रशासन द्वारा वहां पर आसपास में फैले हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। हालांकि उपरोक्त कार्रवाई में प्रभावित ग्रामीणों को लेकर भाजपा के पूर्व विधानसभा प्रभारी आशीष ठाकुर एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष नवनीत मोनू जैन के नेतृत्व में जुन्नारदेव SDM कार्यालय पहुंचे एवं यहां पर SDM कामनी ठाकुर से चर्चा कर पीड़ित परिवारों को कुछ रियायत देने की बात कही गई है। साथ ही साथ उनकी व्यवस्थापन करने की भी मांग की गई है। हालांकि अतिक्रमण की कार्रवाई निरंतर जारी है, लेकिन SDM द्वारा उन्हें कुछ मुआवजा देने की बात कही है। देखिए, भैया नागदेव में कुछ अतिक्रमण को लेकर मामला सामने आया, जिसको लेकर आपने अभी SDM से मुलाकात की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हाईकोर्ट के निर्देश आए हैं कि जो भी नागदेव के आसपास अतिक्रमण है उसको तत्काल यहाँ से हटाया जाए। उसी तारतम्य में शासन द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की गई। सभी जो हमारे कहार समाज के लोगों ने निवेदन किया था कि चूँकि वहाँ पर ऋषि पंचमी का मेला, इसके बाद हमें इतना समय दिया जाए कि ऋषि पंचमी का मेला हम लोग सम्पन्न कर सकें, इसको हटा सकें। हमने मैडम से रिक्वेस्ट किए थे और प्रशासन से रिक्वेस्ट किया था कि एक दो दिन का समय दिया जाए। प्रशासन ने इनको समय दिया और आज अतिक्रमण की कार्रवाई चालू हो गई। इनका विषय इस बात का था कि जो इनको जमीन का आवंटन किया जा रहा है वो नदी के किनारे पे है, जो बाढ़ के समय काफ़ी पानी आ जाता है, तो उनका ये कहना कि हमें जगह का परिवर्तन किया जाए। सामान्य SDM मैडम तैयार हो गई हैं, जगह का परीक्षण करके नई जगह का आवंटन किया जाएगा। साथ ही साथ समाज को आश्वस्त किया है मैडम ने कि इनको व्यवसाय करने के लिए 10x10 का एक छोटा सा टुकड़ा भी दिया जाएगा, जिससे नागदेव मंदिर के आसपास से अपना व्यवसाय कर सकें और रहने के लिए इनकी जो डिमांड है गौशाला के पास, उस परीक्षण के उपरांत वहाँ पे इनको जगह उपलब्ध करा दी। लगभग कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? लगभग 29 लोग परिवार हैं। लगभग एक परिवार में अगर 5 लोग भी माने, लगभग 150 से 200 लोग प्रभावित हो रहे हैं। अभी SDM मैडम से क्या आश्वासन मिला? SDM मैडम ने आश्वासन किया है, सबसे पहले जो कार्रवाई चली अतिक्रमण की, इसका उनको 2-3 घंटे का ब्रेक कर दिया है, जिससे जो इनकी पाल पंडाल बंधे हुए निकाल सकें और जो सामान है वहाँ से निकाल सकें। ठीक है, थैंक यू भैया।